दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना किया जाता है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करने के पीछे मान्यता है कि कार्तिक मास में पड़ने वाले इस पर्व पर घर में सुख समृद्धि शांति और धन धान्य की प्राप्ति के लिए विधिवत पूजा अर्चना किया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होती है और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देती है। साथ ही साथ सद्बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे परिवार में कोई कलेश ना हो और सदैव मंगलमय का वातावरण घर में बना रहे। इसी वजह से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत आरती और पूजा अर्चना किया जाता है। महानगर के विभिन्न स्थानों पर धनतेरस के दिन पंडालों में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित किया जाता है। भक्तगण पंडालों में विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और गोवर्धन पूजन के दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए व्यवस्थापकों ने कहा कि Thank you.
लक्ष्मी आनंद, ये जो प्रतिमा है पिछले 46 सालों से बैठ रही है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गोरखपुर का जाफरा बाजार उत्तरी पंडित रामराज बैत के सामने की ये प्रतिमा है और पिछले 46 सालों से हम इसको बैठा रहे हैं। हमारे इसी मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत की थी और हम सब लोग इसको मिल के इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं। माता रानी की जब तक हम सब पे कृपा बनी रहेगी तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। सागर चौरसिया नरसिंहपुर है और 24 वर्षों से बैठा रहे थे। धनतेरस के दिन मूर्ति बैठाते हैं हम लोग, बहुत भव्य तरीके से पूजा स्थापना अर्चना करते हैं हम लोग। दिवाली में बहुत ही धूमधाम से मूर्ति बैठाते हैं, इसकी पूजा करते हैं हम लोग अच्छे तरीके से और सारे लोग मोहल्ले के लोग सभी लोग आते हैं पूजा करते हैं मोहल्ले में, यही सब है। पवन कुमार गुप्ता, यहाँ पे जैसे हमारे बड़े भैया लोग थे, ये 47वां वर्ष हम लोग का है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ मोहल्लेवासी भी हम लोग का बहुत सहयोग करते हैं और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये नरसिंहपुर है, निकट शीतला माता मंदिर गोरखपुर। शैलेश कुमार अग्रहरी, ये मोहल्ला निजामपुर है। पिछले कई वर्षों से लगभग 19 साल हुए बैठाते हुए, स्थापित सन 2000 से। मूर्ति के बैठाने का ये उद्देश्य है कि हर साल कुछ नया किया जाए। इस साल आप देख ही रहे हैं कि हमारी प्रतिमा को किस तरीके से हमने बनवाया है और सजावट की गई है। साथ ही साथ हर साल की हमारी यही क्रिया होती है कि कुछ अच्छा किया जाए और कुछ अपने समाज को एक अच्छा संदेश दिया जाए। जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था स्वच्छता पे और इस साल आप देख रहे हैं मूर्ति में नीचे दिख ही रहा है कि हमने गौ हत्या पे रोक लगाया है। जैसे हमारे देश में चल रहा है कि गौ हत्या बंद किया जाए, उसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को बनाया गया है मूर्ति में। हमारी समिति का नाम केसरिया समिति, मोहल्ला निजामपुर गोरखपुर। राहुल शर्मा, ये 19वां वर्ष है हम लोग का। इस मूर्ति में खासियत ये कि गौ हत्या पे रोक लगाने के लिए लोगों को अच्छा संदेश मिले कि गौ हत्या बंद हो, मुख्यमंत्री जी ने हमारे योगी जी ने निकाला है, ठीक है, इसके वजह से हमने मुहिम छेड़ी है आदमी के पास।